इधर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ, देखिए गिर मत जाए। हाँ सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी, देखिए देखिए बाबू, ये लड़का 100% डिसेबल, मतलब आंख पे पड़ रहा है क्या ये? 100% देख नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई का इतना जुनून है इसको कि इसका एग्जाम कितने तारीख से है? 6 मई से एग्जाम है, दिल्ली में एग्जाम है 6 मई से। इसको राइटर की जरूरत है, राइटर समझते हैं? ये वहां पे बोलेगा, वो बैठ के चुपचाप लिख देगा। तो राइटर की जरूरत है, दिल्ली में है एग्जाम फिलहाल। आपके पास अगर कोई है जो दिल्ली में है ना बहू, अभी आपके पास एप्लीकेशन पे कोई, एप्लीकेशन पे जो लड़के हैं, अगर आप दिल्ली में जाके दे सकते हैं इनके बदले, तो वो बता दे सकते हैं, वरना हम तो दिला ही देंगे किसी ना किसी को बोल के। फिलहाल अभी है या नहीं आप लोग में से कोई दिल्ली वाला है? आपका दिल्ली में है कोई? चलिए यहां से भी इंतजाम हो जाएगा, ठीक है, एक दो लड़कों का यहां से हो जाएगा, आपको राइटर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा चलो भाई, आप अपने रिलेटिव वगैरह को नहीं खोजे? खोजे, लेकिन ऐसा कोई था नहीं जो कि लिख सके। सभी लोग का एग्जाम है, किसी का 12th का है, किन्हीं का 11th का है, किन्हीं का गार्जियन इशू है, लेकिन गर्ल्स हैं तो बोले कि घर से मतलब ये नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई आपको मिल जाएगा वहां पे। और मतलब आप बाकी पढ़ाई वगैरह तो आप किए होंगे, जी सर, बिल्कुल उसको तो बस राइटर है, वो तो बस लिखेगा आपके बदले। जी सर, हम सिर्फ बताएंगे आंसर, उन्हीं उनको सिर्फ लिखना है। ठीक है, वेरी गुड, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको बता, अब खान सर का एड्रेस कौन दे दिया आपको, मतलब आपको यहाँ कैसे आए, किस तरह से? आपका YouTube चैनल पे हम कंटिन्यू वीडियो वॉच करते थे, अच्छा उसमें अवॉट में जाकर के देखे तो मुसल्लापुर हट का एड्रेस दिया हुआ था। फिर मैप पे सर्च किए, वहाँ पे कहाँ रिसर्च GS आ रहा था, तो उसी के लोकेशन पे हम लोग ऑटो से आए हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप तो ऑडियो ही समझते होंगे यूट्यूब पर, पूरा जी सर, बिल्कुल वीडियो वाला सेक्शन तो पूरा समझ में आता नहीं होगा, केवल ऑडियो ही सुनते होंगे। अच्छा वीडियो का सेक्शन बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, सिर्फ आपका ऑडियो सुनते हैं। तो आपको ये कैसे लगा कि हम दिला देंगे, मतलब कोई ना कोई राइटर मिल जाएगा? एक्चुअली हम पटना में हैं, आपको चाहिए जरूरत दिल्ली में। आप हम लोग दो, ये हम और ये जो हमारे साथ भैया हैं, वो दोनों आपस में माइंड मेकअप किए हैं, फिर आपका यूट्यूब पे देखे तो पता चला कि आपका बहुत सारा संस्था चलता है, जिसमें एक अनाथ संस्था है, तो हमको लगा कि हम लोग के लिए सर पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। चलो आप टेंशन नहीं लो, ठीक है, आपके दिल्ली आने जाने रहने खाने सब चीज का इंतजाम हम कर देंगे, आपको पढ़ाई बस आप वहां जाके एग्जाम, ठीक है? ठीक लेते जी, अरे एकदम फोट ले लीजिए, ले लीजिए। अरे भाई बस ठीक है, अरे अरे पैर ना छू बाबू, बाबू बाबू तू लोग खुदे साक्षात हो, खुश रहिए खुश रहिए, ठीक है। अब चलिए हम क्लास ले लेते हैं, इनको ऑफिस में बैठाइए, क्लास के बाद इनसे मिलेंगे। नहीं, हम बोल दिए ना ऑफिस में बैठेगा लोग। चलिए उतरिए आराम से, सीढ़ी होगा बाबू। अरे चलो चलो बाबू, यही सब टीचिंग में आने के बाद बाबू कुछ मिला ना मिला अलग, एक चीज ये लगा जरूर कि भाई कभी किसी को कुछ भी समस्या होता है ना, कम से कम उसको विश्वास रहता है कि जब कुछ नहीं होगा तो चलो खान सर के पास काम जरूर हो जाएगा हमारा। हालांकि देखिए, अगर हकीकत में देखेंगे तो भगवान हमसे केवल करा देता है काम, करने वाले तो आप ही लोग हैं, है कि नहीं? कभी ब्लड डोनेशन के नाम पर, कभी एग्जाम के नाम पर, लेकिन हाँ ये कहे कि बड़ा खुशी होता है कि भगवान के लिए एक माध्यम का रास्ता हम और आप जरूर बन जाते हैं। खैर, आप लोग का ये संस्कार है जो हमेशा तैयार रहते हैं। सोचिए अगर दिल्ली की जरूरत पड़ती है ना, दिल्ली में एक वक्त था जब लोग कहते थे कि बिहार के लोग दिल्ली में जाके इलाज करा के आते हैं, आज हम लोग भी तो कह सकते हैं कि भैया एक दृष्टि बाधित को एग्जाम दिल्ली में जाना था तो बिहार ही जाके दे के चला है। तो ये चीज हमेशा अपने पास रखे रहिएगा, जिंदगी में यही सबसे बड़ी चीज होती है कि आप दूसरों के कब कब काम आए। भगवान ने कभी सबसे सब कुछ नहीं चिंता है, बेचारा भी पढ़ने में कितना अच्छा है, सोचिए यूट्यूब पर केवल ऑडियो देख पाता है, वीडियो नहीं देख पाता, लेकिन जुनून है ना, अपने साथ लेके खोज पीछ के लेके आया वहां पे। उसको बैठाइए मेरे ऑफिस में, बैठेगा मेरे चैम्बर में, उसको नाश्ता वास्ता कराइए बढ़िया से। इंक्वायरी ऑफिस में नहीं ना बैठेगा सर सब। चलो बाबू कहाँ तक बता रहे थे आपको? ऐसा सुविधा है आपके यहाँ भी, अगर कोई होगा ना तो उसको राइटर बोला जाता है, वो उसको कोई मतलब नहीं बनता है, वो ये बोलते जाएगा वो लिखते जाएगा, वहाँ एक आदमी रहते हैं,
ये हमारे शिक्षा का अधिकार है। अब आप सोचिए, भारत की ये नई तकदीर है, जो इंसान देख नहीं सकता वो दिल्ली जाके एग्जाम लिख कर आएगा। क्योंकि इंसान जो होता है ना, सबसे बड़ा चीज क्या, इंसान शरीर से कभी विकलांग हुआ ही नहीं, ना उसके हाथ से, पैर से, आंख से कभी विकलांग नहीं होता। इंसान विकलांग होता है मानसिकता से। अगर जिसने मन से अपाहिज समझ लिया वो सच में अपाहिज है, और अगर मन से अपने आप को हार नहीं माने ना, दुनिया की कोई चीज आपको नहीं रोक सकती है। यहाँ पर ये वही भी आ रहा है ना, छीनी हथौड़ी से तोड़ दिया पहाड़, ये काम तो पागले कर सकता है, समझदार के बस का था नहीं हो सकता।